राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आज। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट कर गया, प्रदूषण के खिलाफ सरकार कर रही है युद्ध स्तर माथे काम। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रात 2347 नया मामला आया सामने। जयपुर में मिला सबसे बत्ता 692 संक्रमित मरीज। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़वा खातर पुलिस कर रही है लगातार कार्रवाई। कोविड वैक्सीनेशन लेर प्रशासन कर रहा है तैयारियां। कोणार्क कोर का 1971 रा भारत पाक युद्ध री स्वर्ण जयंती वर्ष रा उपलक्ष्य में कार्य जारी है। 1971 किलोमीटर रो साइकिल अभियान जैसलमेर पुग्यो। प्रदेश रा ज्यादातर जिला में तापमान में भी बढ़ोतरी। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। नमस्कार, खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। रबे खबरां विगतवार। आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन है। पर्यावरण ने बचावा खातर हर बरस राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाए जावे है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट कर गया कि प्रदूषण री रोकथाम खातर सरकार युद्ध स्तर माथे काम कर रही है। पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से हर साल आज के दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाना, जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बीच जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की मुख्य थीम वायु प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा औद्योगिक आपदा को नियंत्रित करने के लिए लोगों को शिक्षित करना है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देना भी इस बार की थीम का हिस्सा है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के मौके पर अगले 5 वर्षों में 100 शहरों का प्रदूषण कम करने का संकल्प दोहराया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा, भारत सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, 100 शहरों का प्रदूषण 5 साल में कम करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें पीएम आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करने की बात कर रहे हैं। चुने हुए 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक जन भागीदारी के साथ, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग भरपूर करते हुए हम उसे प्रदूषण कम करने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करने वाले हैं। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वच्छ वायु और जल को मानव जाति के लिए सबसे महान संसाधन बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, स्वच्छ वायु और जल मानव जाति के लिए उपलब्ध सबसे महान संसाधन है। मोदी सरकार स्वच्छ सतत विकास के मार्ग के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरियाली के अनुरूप अच्छे कार्यों और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाकर अपना समर्थन दें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग का निशुल्क जारी आंकड़ा के मुजब काले संक्रमण रो 2347 नया मामला सामने आया है। जयपुर में सबसे बत्ती 692 मामला सामने आया है। इनके अलावा जोधपुर में 314, कोटा में 169, अलवर में 117, उदयपुर में 110 मामला सामने आया है। इन बीच 19 और मरीजारी कोरोना से मृत्यु वेगी है, जबकि 3032 मरीज ठीक हो चुका है। कोरोना महामारी ने लेर राज्य सरकार कानी सू जारी गाइडलाइन री पालना करवाबा खातर पुलिस तत्परता सू काम कर रही है। जयपुर रा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश बताया कि शहर में मास्क नहीं लगाबा और सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन नहीं करबा वाला लोगों माथे पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रतिदिन
सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले, मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई हो रही है। जो शादियां हो रही है उसमें प्रोटोकॉल को लगातार चेक किया जा रहा है और जो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे वहाँ पर भी चालानी कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही जो अभी कंटेनमेंट जोन घोषित करने हैं वो जब जिला प्रशासन की तरफ से घोषित कर दिए जाएंगे उसके साथ साथ ही वहाँ पर लॉकडाउन लगाने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। हमारे जो बीट कॉन्स्टेबल्स हैं वहाँ तक सूचना दी जाएगी कौन लोग संक्रमित है तो वो लोग उसको भी विजिट करेंगे, उसका भी सर्विलेंस रखेंगे। जो ऐप डाउनलोड करने संबंधी दिशा निर्देश हैं उसकी भी पालना कराई जाएगी। इस प्रकार से जो भी आवश्यक कदम है रोकथाम के लिए कोरोना के प्रसार के वो सारे पुलिस के द्वारा किए जाएंगे। कोरोना महामारी ने ले सगड़ो विश्व परेशान है, बटे ही इरा टीकाकरण की तैयारियां भी अब चालू हो वाली है। आगामी महीना में आबाड़ी कोविड 19 वैक्सीन रा संबंध में टीकाकरण खातर पहली वाली तैयारियां ने लेर मंगलवार जयपुर जिला कलेक्टर सभागार में बैठक रखी जी। बैठक में जिला कलेक्टर अंतर सिंह मेहरा जयपुर में कोरोना रा बढ़ता मामला ने लेर चिंता जताई, वहां संबंधित अधिकारियों ने वैक्सीनेशन सेंटर बनावारा निर्देश काढ़िया। और अभी जोधपुर की बात करा तो जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह कह कि जोधपुर में बढ़ता कोरोना रा प्रभाव ने देखता थका प्रशासन करड़ा कदम उठायला, वणा आमजन सु कोरोना री चेन तोड़बा खातर सहयोग करबारी अपील करी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जिस भी प्रकार के कदम उठाने पड़े उनको उठाया जाए। मेरा पुनः समस्त जोधपुर वासियों से ये निवेदन रहेगा कि आने वाले समय के अंदर हमें कोरोना को उसी गंभीरता के साथ देखना है, बल्कि ज़्यादा गंभीरता के साथ देखना है, क्योंकि बढ़ती ठंड के साथ और जो अभी शादियों का और अन्य समारोहों का जो समय था उस समय के अंदर अगर हमने एहतियात नहीं बरती तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोरोना फिर से बहुत ज़्यादा संक्रमण में आगे बढ़े। तो एक बार पुनः मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जैसे अभी तक आप लोग प्रशासन का सरकार का सहयोग करते आए हैं, समस्त गाइडलाइंस की पालना करते आए हैं, दिसंबर माह में हमें और ज़्यादा सजग और ज़्यादा सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। इन गाइडलाइंस को हम अक्षरश नीचे पालना कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब अगली खबर कोटा सु। कोटा ब्लड बैंक में रक्त री कमी ने पूरो करबा खातर शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल रा निर्देश माथे रक्तदान शिविर लगाए गयो। रक्तदान शिविर में लोग घना उत्साह से भाग लिया। इन मुहिम रहते 10,000 यूनिट रक्त एकत्रित करवारी योजना है। प्रशंसनीय है, इससे जो ब्लड बैंक में खून की जो रेगुलर डिमांड रहती है इसकी पूर्ति करेंगे और कोटावासियों का हमेशा इस मामले में जज्बा रहा है ब्लड डोनेशन का। जो कोटा में के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं रही, इसको संभावित कमी को देखते हुए हाड़ौती विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सांकला उनके नेतृत्व में लोगों को मोटिवेट करने का जो बीड़ा उठाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो इस चीज़ के लिए कि ब्लड डोनेट करें अपना, ताकि थैलेसीमिया के बच्चों को स्पेशली, बाकी अन्य जो एक्सीडेंटल केसेज हैं उनको या अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को ब्लड की किसी भी सूरत में कमी नहीं आए। कोटा में ब्लड डोनर्स एक जुनून की तरह डोनेट करते हैं, इसलिए ये पिछले 3 सालों में नंबर 1 रहा है। जब भी थोड़ी बहुत रिलेटिव कमी आई है संस्थान आगे आए हैं और इस बार हाड़ौती विकास मोर्चा ने जो ये बीड़ा संभाला है सांखला जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग रा शासन सचिव नवीन जैन री अध्यक्षता में कल शासन सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक रखी जी। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ना लाभार्थियों री आधार सीडिंग माथे विस्तार से चर्चा करी थी। शासन सचिव बताया कि नवंबर महीना में राज्य में 35 लाख से बत्ता लाभार्थी राशन कार्ड रे आधार सीडिंग सु जोड़ दियो गयो है। वैश्विक महामारी ने लेर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण का निशु मास्क दीवार बना लोगों ने जागरूक करता थका मास्क वितरण कर लिया है।
वटे पर्यटक स्थला माथे भी नो मास्क नो एंट्री अभियान चलार लोगों ने जागरूक करो जा रो है। अल्बर्ट हाल अधीक्षक डॉक्टर राकेश छोलक बताया कि पर्यटक स्थला माथे बिना मास्क प्रवेश नहीं दियो जा रो है और सोशल डिस्टेंसिंग रो विशेष ध्यान रखो जा रो है। हमारे पर्यटक स्थलों पर जैसे अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़, आमेर, हवामहल, कोई भी पर्यटक अगर आता है तो हमने उनको नो मास्क नो एंट्री का स्लोगन दे रखा है। कोई भी अगर इस तरह का पर्यटक है जिसके पास मास्क नहीं है उसको हम एंट्री नहीं देते हैं। कोशिश करते हैं कि सभी लोग मास्क लगाएं, अगर बाय द वे किसी के पास नहीं है तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम अपने यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा घुसने से पहले उनके हाथ पूरे सैनिटाइज कराए जाते हैं, टेम्परेचर उनका लिया नापा जाता है, उसके बाद इनको एंट्री दी जाती है। और बीच बीच में गैलरियों में भी राउंड करते हुए हमारे कर्मचारी और हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी पर्यटकों ने अपने मास्क लगा रखे हैं। कोरोना संक्रमण से लोगों ने बचावा खातर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इंद्रतेत आज जयपुर यातायात पुलिस और नगर निगम ग्रेटर कानी से गोला माए रेबा और दो गजरी दूरी बना राख बारो संदेश दियो गयो। इन मौके ADCP ट्रैफिक सतवीर चौधरी बाइक रैली ने भी हरी झंडी दिखा रवाना कर। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक रो आयोजन कर लोगों ने जागरूक कर गयो। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मुख्य जो थीम है वो ये है कि गोले में रहो, यानी आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। जहाँ भी लाइन बनेगी, क्यों बनेगी, वहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करो, 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी मेंटेन रखिए ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके। COVID-19 अभी स्थिति भयावह होती जा रही है, नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। सरकार के प्रयास हैं कि चूँकि अभी कोई दवा उपलब्ध नहीं है, कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ये ज़रूरी है ताकि लोगों के में इस बीमारी से बचा जा सके। अरे अभी बात करा आपरी और अपना री सुरक्षा री। COVID-19 सू बचाव री दिशा में DD न्यूज कानी सू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह अबार मास्क ही वैक्सीन है और सगड़ा री सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी COVID-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। मास्क बेहद जरूरी है, वो संदेश हो। और अब चला हां आगरी खबर माथे। कोणार्क और कानिसू 1971 रा भारत पाक युद्ध री स्वर्ण जयंती वर्ष री शुरुआत रा उपलक्ष्य में 26 नवंबर सू शुरू हुआ 1971 किलोमीटर रो साइकिल अभियान
मंगलवार ने जैसलमेर पुग्या जो अपना आगला चरण श्री मोहनगढ़ री कानी प्रस्थान कर गयो। इन अभियान के तहत राजस्थान और गुजरात रा सीमावर्ती क्षेत्र ने कवर कर गयो। सगड़ा रास्ता में साइकिलिंग टीम युद्ध नायकारी परिजन रे साथे पूर्व सैनिका सु मुलाकात करी और रास्ता में कोविड किट वितरण कर पौधारोपण भी कर। मेरा नाम भैरू सिंह राठौड़ है। मैं BSF में ड्यूटी कर रहा था। लड़ाई हुई उस टाइम 50 साल होने को जा रहे हैं और लड़ाई के टाइम पर मैं लंगड़वाड़ा पोस्ट पर तैनात था और आज शुरू से लेकर लास्ट तक लंगड़वाड़ा चौकी पर डटा रहा और पाकिस्तान से बहुत से लड़ता रहा। आखिरी गोली और आखिरी दम तक मैंने अपना पोस्ट नहीं छोड़ा और लास्ट में फिर वाइजाजों ने बम्बार्डमेंट किया और वाइजाजों ने बम्बार्डमेंट करने से पाकिस्तान की फौज में भगड़ मच गई। उसके बाद में फौज उनके पीछे हटने लग गई और बॉर्डर की तरफ पीछे की साइड में लड़ाई शुरू हो गई। 1971 की लड़ाई को 50 साल पूरे होने पर हम स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहे हैं और इस वर्ष में हम एक साइक्लोथन एक्सपेडिशन कर रहे हैं जिसकी शुरुआत भुज से हुई थी और इसमें हम 1971 किलोमीटर कवर करके लोंगेवाला में ख़त्म करेंगे। आज एक्सपेडिशन का हमारा 6वां दिन था जिसमें हमने की 191 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया मेजलार से जैसलमेर तक, जिसमें हमने बीच में रास्ते में रुककर लोगों को कोविड-19 के बारे में बताया। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा आज जयपुर में 12 नवंबर रात ने डेयरी बूथ संचालक री हत्यारो खुलासो करया है। प्रदीप मोहन शर्मा बताया कि पुलिस टीम कानीसू हत्यारा ताई पुग्र वणा ने गिरफ्तार करया है। वणा बताया कि डेयरी बूथ संचालक सुदामा री हत्या वणारा भाई राम बिहारी उल्फ राहुल किणी बाद ने लेर हुआ झगड़ा में लोहारी राड सू हत्या कर दी ही। गिरफ्तार आरोपी सू पूछताछ जारी है। दिनांक 12-11 को सुबह सुबह सूचना प्राप्त हुई कि जेकब रोड पे नाटानी चौराहे मेन इंटरसेक्शन पे ब्रिज के नीचे एक डेयरी बूथ है। उस डेयरी बूथ पे डेयरी बूथ संचालक की बॉडी मृत अवस्था के अंदर बूथ के अंदर है। वहाँ सूचना मिलने पे पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे, SHO पहुँचे और प्रारंभिक तौर पे देखा कि जो डेयरी बूथ संचालक सुदामा है उसकी शरीर से वार करके और मल्टीपल इंजरीज से उसके चोट पहुंचाई हुई थी और बूथ के अंदर उसकी बॉडी खून से लहूलुहान और काफ़ी खून उसमें निकल गया था, बॉडी पड़ी थी। मृतक का भाई जो उस समय पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को लेकर के अपने गांव चला गया और वहां से इस बीच में अनुसंधान चलता रहा तो पुलिस के अनुसंधान दौरान जो शक की सुई थी वो इसके भाई की तरफ गई। मुख्य वजह जो है हत्या का उनका आपसी विवाद रहा, किसी बात को जो मृतक सुदामा था वो शराब भी पीता था और किसी अन्य विवाद को लेकर इन दोनों भाइयों में आपस में बोलचाल हुई और बोलचाल होने के बाद में झगड़ा बढ़ गया और इस हद तक बढ़ गया कि मुलजिम ने अपने भाई को सरिये से रॉड से मार के उसकी हत्या कर दी। और अब बात कर रहा क्रिकेटरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीजो और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कैनबरा में खेलो जा रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी रो फैसलो लेता थका 5 विकेट ना नुकसान माथे 302 रन बनाया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने 303 रो लक्ष्य रखियो है। ताजा समाचार मिलबा ताई ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट रा नुकसान माथे 274 रन बनाया है। रविंद्र जडेजा के अर्धशतक की मदद से भारत ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 300। Clever batting from Maxwell, 12 from the over. 6 for 246, 50, 48 before tonight. 48 before tonight, so 32, that's 80 balls. And how many runs? He had 148 runs, I think. Plus 40. The debutant. Maxwell,
hasn't got a massive piece of it. He's got enough of it though. Brings up his 50 with a 6, as you'd expect. His 22nd of his career, and he's hit top gear now. Super innings, 52 coming off 33 balls in that. और अभी बात कर रहा हूं मौसम री। प्रदेश का ज्यादातर जिला में तापमान में बढ़ोतरी भी है। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इनके अलावा सीकर में 6.5 डिग्री, चूरू में 6.6, पिलानी में 8.1, भीलवाड़ा में 8.4 वटे राजधानी जयपुर में 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। कोविड 19 से बचाव खातर देशभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कि कोरोना से बचाव खातर क्यों जरूरी है वो कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषय माथे चर्चा थेमाका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने फॉलो कर सको हो। और बुलेटिन में खास खास खबर एक बार फेरू। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आज। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट कर गया, प्रदूषण के खिलाफ सरकार कर रही है युद्ध स्तर माथे काम। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रात 2347 नुआ मामला आया सामे। जयपुर में मिलिया सबसे बत्ता 692 संक्रमित मरीज। कोरोना संक्रमण री चैन तोड़वा खातर पुलिस कर रही है लगातार कार्रवाई। कोविड वैक्सीनेशन ने लेर प्रशासन कर लिया है तैयारियां। कोणार्क कोर कानिसु 1971 भारत पाक युद्ध री स्वर्ण जयंती वर्ष रा उपलक्ष में काढ़ो जा रही है 1971 किलोमीटर रो साइकिल अभियान जैसलमेर पुग्यो। प्रदेश राज ज्यादातर जिला में तापमान में भी बढ़ोतरी। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। इन साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।